नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं अजय देवगन के कैरियर की सबसे बड़ी मूवी सिंघम 3 और अल्लू अर्जुन की मूवी पुष्पा 2 के बारे में, क्योंकि इस समय देखा जाए सोशल मीडिया से लेकर के बड़े बड़े यूट्यूब चैनल तक और बड़े बड़े यूट्यूब चैनल से लेकर के बड़े बड़े फिल्म क्रिटिक तक बस यही बात बोल रहे हैं कि अजय देवगन अपने कैरियर की सबसे बड़ी गलती जा रहे हैं करने अपनी मूवी पुष्पा 2 के सामने रिलीज करके। और इसी बीच देखा जाए दोस्तों जो अजय देवगन के हेटर्स हैं वो तो सोशल मीडिया पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अजय देवगन की सिंघम 3 जो मूवी है पूरी तरीके से डिजास्टर साबित हो जाएगी और पुष्पा 2 की आंधी के सामने अजय देवगन की सिंघम 3 मूवी कहीं भी नहीं टिक पाएगी। और देखा जाए दोस्तों ये सब अजय देवगन के साथ कोई पहली बार नहीं हो रहा है, अजय देवगन को देखा जाए काफ़ी बार ये सारी बातें सुनने को मिल चुकी हैं और अजय देवगन ने हर बार अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से उन लोगों को मुँह तोड़ जवाब भी दिया है। तो ऐसे में चलिए जान लेते हैं कि अगर सिंघम पुष्पा 2 का क्लैश होता है तो किस मूवी को सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों पुष्पा सीरीज को लेकर के एक बहुत बड़ी अपडेट निकल करके सामने आ रही है, जो कि अब ये कंफर्म मान ली गई है ऑफिशियल तौर पर, जिसमें ये बताया जा रहा है कि पुष्पा का अब तीसरा पार्ट भी बनेगा और ये बात अब पूरी तरीके से कंफर्म हो गई है। वहीं अगर हम बात करें अजय देवगन की मूवियों को क्लैश को लेकर के, तो देखा जाए जब अजय देवगन ने अपने करियर की दोस्तों शुरुआत करी थी फूल और कांटे मूवी से लेकर के, तो उस समय राज बहुत बड़ा स्टूडियो माना जाता था। बैनर की मूवी आ रही थी जिसका नाम था लम्हे और उस मूवी में थे अनिल कपूर और श्रीदेवी, और अनिल कपूर ने तो यहाँ तक के कह दिया था अजय देवगन से कि अपनी मूवी बेटा पीछे घसीट लो क्योंकि ये तुम्हारे कैरियर की अभी नई नई शुरुआत है, क्या फ़ायदा तुम्हारा कैरियर शुरुआत में ही डगमगा जाए और को तुम हमारे सामने टिक नहीं सकते हो। लेकिन दोस्तों अजय देवगन की फूल और कांटे कितनी बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई थी ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, और बड़े बड़े फिल्म क्रिटिक से लेकर के बड़े बड़े स्टार तक का मुंह बंद कर दिया था। और तो और छोड़ दीजिए दोस्तों, अभी हाल ही की बात ले लीजिए, यश चोपड़ा अपने कैरियर के लास्ट दौर में थे और वो अपने कैरियर की आखिरी मूवी बना रहे थे जब तक है जान, और उस मूवी में बॉलीवुड का सबसे बड़ा स्टार शाहरुख खान था और कटरीना कैफ थी जो कि बॉलीवुड की नंबर वन हीरोइन मानी जाती हैं, और अनुष्का शर्मा थी। लेकिन इन सब के बावजूद अजय देवगन ने इस मूवी के सामने अपनी मूवी रिलीज कर दी सन ऑफ सरदार, और सन ऑफ सरदार ने उस समय 100 करोड़ के ऊपर की कमाई करके बॉक्स ऑफिस हिला डाला था और वो मूवी सुपर डुपर हिट साबित हुई थी। और तो और छोड़ दीजिए दोस्तों, अगर हम धर्मा प्रोडक्शन की ही बात कर लें जिसके कर्ता धर्ता करण जौहर हैं, और करण जौहर ने अपने कैरियर में कोई भी मूवी फ्लॉप नहीं दी है, उन्होंने उस समय मूवी बनाई थी ऐ दिल है मुश्किल, और देखा जाए दोस्तों उस मूवी के सामने अजय देवगन ने अपने ही प्रोडक्शन की मूवी सिवाय रिलीज कर दी थी, जबकि देखा जाए अजय देवगन का उस मूवी में काफ़ी ज़्यादा पैसा लग चुका था और उस समय भी जो बड़े बड़े फिल्म क्रिटिक्स थे वो यही कह रहे थे कि अजय देवगन अपने कैरियर की फिर बहुत बड़ी गलती जा रहे हैं करने और अजय देवगन को इस बार बहुत ही बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा क्योंकि ये जो मूवी है इस मूवी में उन्हीं का पैसा लगा है। लेकिन इसके बावजूद भी दोस्तों देख लीजिए, सिवाय मूवी 100 करोड़ से ऊपर का कलेक्शन करके ऐ दिल है मुश्किल के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में सेंध लगाने में कामयाब होती है और वो मूवी एवरेज हिट का टैग प्राप्त करती है। और तो और छोड़ दीजिए दोस्तों, आमिर खान जिस समय अपने पीक पे चल रहे थे, जिस समय आमिर खान का एक रुतबा था और आमिर खान के सामने देखा जाए शाहरुख सलमान की भी मूवियां कलेक्शन के मामले में कुछ नहीं साबित हो रही थी, उस समय आमिर खान की मूवी आती है सीक्रेट सुपरस्टार जो कि देखा जाए काफ़ी तगड़ी कमाई करती है, और उसके सामने अजय देवगन फिर से अपनी मूवी लेकर के आ जाते हैं गोलमाल 3। और देखा जाए दोस्तों सीक्रेट सुपरस्टार इंडिया में सिर्फ
65 करोड़ की कमाई करती है और अजय देवगन की गोलमाल 300 करोड़ के ऊपर का कलेक्शन करके बॉक्स ऑफिस हिला करके रख देती है। हालांकि दोस्तों ये हर बार सुनने को मिलता है और पुष्पा 2 को लेकर के फिर से यही सारी बातें सुनने को मिल रही हैं अजय देवगन को। तो ऐसे में अब आपको क्या लगता है, जो अजय देवगन फैंस हैं उनको क्या लगता है कि अजय देवगन क्या फिर से गलती कर रहे हैं, कि अजय देवगन ने जो अपने करियर में आज तक किया है उनको वही करना चाहिए और बड़ी मूवी के सामने अपनी मूवी फिर से क्लैश करानी चाहिए। वैसे आपकी क्या राय है पुष्पा 2 और सिंघम 3 को लेकर के कमेंट में हमें जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, हम आपके लिए ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।